इंट्रोडक्शन टू आईटीज इंडस्ट्री, यह वीडियो क्लास 9 के लिए है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स टू स्टोर, रिट्रीव, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट डेटा और इंफॉर्मेशन। इट इज़ टिपिकली यूज्ड विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस एज अपोज्ड टू पर्सनल और इंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजीज। IT is considered to be a subset of information and communication technology. Information technology एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत कंप्यूटर या अन्य फिजिकल डिवाइसेस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा को क्रिएट, प्रोसेस, सिक्योर और एक्सचेंज करने के लिए किया जाता है। मॉडर्न डेवलपमेंट जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, वेबसाइट, ईमेल और ई कॉमर्स सभी IT के अंतर्गत आते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज एन एक्सटेंशनल टर्म फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट स्ट्रेसेस द रोल ऑफ यूनिफाइड कम्युनिकेशंस एंड द इंटीग्रेशन ऑफ टेली कम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर्स। ICT यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सूचना के संचार के अनेक माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, सेलफोन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर आदि विभिन्न सेवाओं की मदद से सूचना प्रसारण की सुविधा प्रदान की जाती है। ICT की वजह से आज हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बना पाए हैं। आज कम्युनिकेशन के लिए हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं वह सभी ICT के अंतर्गत ही आते हैं। इंट्रोडक्शन टू IT इंडस्ट्री, द फुल मीनिंग ऑफ IT इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेब एनेबल्ड सर्विसेज, रिमोट सर्विसेज और टेलीवर्किंग। ITs इंक्लूड अ लार्ज वेराइटी ऑफ डिफरेंट ऑपरेशंस दैट यूजेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू अपग्रेड द वर्केबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Information technology means creating, managing, storing and exchanging information using all types of technology to deal with information. ITs, information technologies that enables the businesses by improving the quality of services is information technology enabled services. ITs ऐसी services जिनका आधार information technology है। यह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के समाज की बुनियादी आवश्यकता बन गया है। ITs ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए IT सर्विस का उपयोग करता है। द IT एंड IT सेक्टर हैज़ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ टू इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ। इट रोल इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इट्स शेयर ऑफ GDP हैव बीन ऑन द रेज। BPO services, business process outsourcing, is a method of subcontracting various businesses related operations to third party vendors. BPO is often divided into two main types of services, back office and front office. Back office services include internal businesses processes such as billing or purchasing. Front office services pertain to the contracting company's customers such as marketing and tech support. BPO, यह कह सकते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ की एक कंपनी अपने कुछ बिजनेसेस फंक्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन इस काम को करने में पूरी तरह सक्षम होती है और ये वो काम होते हैं जिनकी कंपनीज खुद नहीं कर सकती या उन्हें करना नहीं चाहती। ऐसा करने से उन्हें अपने काम में बड़ा लाभ होता है, उन्हें कम समय में काम मिल जाता है और उनका कॉस्ट भी सामान्य होता है। बेनिफिट्स ऑफ BPO, रिड्यूस्ड कॉस्ट, इंक्रीज्ड सिक्योरिटी, मोर एफिशिएंसी, इम्प्रूव वेंडर रिलेशंस, बेटर कवरेज। With outsourcing, you no longer need to pay in-house employees to handle your business processing task. In addition, the outsourcing company is responsible for any maintenance and
upkeep expenses that go along with these business processes. Outsourcing companies that are specialized to handle financial processes can often provide better security from cyber theft. Because outsourcing companies specialize in streamlining core business processes, they can handle them much more efficiently than most in-house departments. With outsourcing to speed up business processes, outsourcing firms cross-train multiple employees for the same task. That means you never have to worry about falling behind if someone falls in sick. BPM industry in India. Business process management is a discipline in operations management in which people use various methods to discover, model, analyze, measure, improve, optimize, and automate business processes. Thought not required enabling technology are often used with BPM. BPM एक ऐसा प्रबंधन दृष्टिकोण है जिसका ध्यान ग्राहकों की ज़रूरतों और आवश्यकताओं के साथ संगठन के सभी पहलुओं के संयोजन पर केंद्रित होता है. There are four subsectors within the IT BPM industries as shown below. IT services, business process management, software products and engineering research and development. Initially, BPM meant a management process, the goal of which was to maintain and improve other business processes in an organization. BPM refers to a management process, while BPO refers to the state of the mind of an organization, or more exactly, its employees. ICT in education, health, agriculture, जैसे अनेक क्षेत्रों में एक अलग क्रांति पैदा कर दी है. यही कारण है कि आईसीटी का महत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया है. आईसीटी की वजह से आज हम अपने कम्युनिकेशन स्किल बेहतर बना पाए हैं. आज कम्युनिकेशन के लिए हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं वह सभी आईसीटी के अंतर्गत ही आते हैं.